नमस्कार, सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि संविदा का पालन क्या संविदा के पालनकर्ता के सहायक से करवाई जा सकती है। इन अदर वर्ड्स, कैन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बी डन बाय द असिस्टेंट ऑफ परफॉर्मर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझने के लिए अगले स्लाइड्स पर एक प्रश्न के उत्तर के साथ इसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न ये है कि नरेश मिस्टर विनय को, एक जो काफ़ी नामी पेंटर हैं, उनको इंगेज करते हैं एक पिक्चर बनाने के लिए जो कि पर्टिकुलर डिज़ाइन का होता है और जो नरेश के नज़र में सिर्फ मिस्टर विनय ही ऐसा पेंटर हैं जो इसे बना सकते हैं। नरेश ने इस बात को भी समझौता कर लिया मिस्टर विनय से कि अगर मिस्टर विनय पेंटिंग कर देते हैं जैसा वो चाह रहे हैं तो उनको 1,00,000 रुपये प्रोफेशनल चार्जेस के तौर पे दी जाएगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, जब काम कंप्लीट हो गया तो ये बात जाहिर हुई कि मिस्टर विनय ने उस पिक्चर को नहीं बनाया था बल्कि उनके असिस्टेंट ने बनाया था। ये बात अलग है कि उनके असिस्टेंट ने जो पेंटिंग की वो मिस्टर विनय के गाइडेंस और सुपरविजन में ही की थी। अब मिस्टर विनय जब पेंटिंग कंप्लीट कर लिए तो उन्होंने अपना प्रोफेशनल चार्जेस एज पर एग्रीमेंट नरेश से मांग की, लेकिन नरेश ने इस बात के लिए रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिस्टर विनय को काम इसलिए दिया था क्योंकि वो पेंटिंग जो है सिर्फ मिस्टर विनय से कराना चाह रहे थे, उनके सहायक से नहीं। भले ही उनके सहायक ने मिस्टर विनय के देखरेख में वो पेंटिंग की हो, लेकिन एक बार कॉन्ट्रैक्ट जब बन जाता है, संविदा बन जाती है, तो वो उन्हीं व्यक्ति को करना पड़ता है जिनसे संविदा हुई है। ठीक है, वो अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव से या सहायक से करना होता है तो ऐसे एग्रीमेंट पर लिखा होना चाहिए, जबकि दिए गए प्रश्न में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नरेश ये चाह रहा था कि मिस्टर विनय या उसके रिप्रेजेंटेटिव या कोई असिस्टेंट वो काम करे, ऐसा कहीं नहीं है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि नरेश जो पेंटिंग चाह रहा था वो मिस्टर विनय खुद अपने हाथों से करे, तभी प्रोफेशनल चार्जेस 1,00,000 रुपये देंगे। ठीक, नरेश के मना करने पर मिस्टर विनय ने फाइनली एक सूट फॉर रिकवरी फाइल की 1,00,000 रुपये का इन सिविल कोर्ट। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सूट इंटरटेनेबल है या नहीं। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं और इसके उत्तर के माध्यम से और प्रावधान के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। दिए गए प्रश्न के उत्तर के लिए हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का दो सेक्शन देखना होगा। पहला सेक्शन 37 जो कि ऑर्डर 22 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से काफ़ी मैच करता है, और ऑर्डर 22 जो मैटर डील करता है वो है डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज। यानी कि पक्षकारों में से किसी का डेथ होता है, मैरिज होता है, इंसॉल्वेंस हो जाती है, तो उस केस में परफॉर्मेंस किसके द्वारा होगा, उससे संबंधित ये सेक्शन 37 है। अब देखिए इसका हेडिंग क्या है, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि कौन परफॉर्मेंस करेगा संविदा अगर हो जाती है तो, यानी संविदा का पालन कौन करेगा। तो देखिए, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जब संविदा पक्षकारों के बीच में कोई संविदा हो जाती है, कोई करार हो जाता है, तो उनके अंदर एक दायित्व आ जाता है। पहला, आर्डर टू परफॉर्म, जो संविदा की गई उसको परफॉर्म करे। दूसरा, या ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस दे आर एक्सक्यूज्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग बाय एनी लॉ। यानी कि हर पक्षकार जो संविदा के हैं उन पे एक दायित्व बनता है कि अपने वादों को निभाएं, क्योंकि वादों के अनुसार ही संविदा बनती है, करार बनता है, और वो तब तक उनके दायित्व बनती है जब तक संविदा का पालन नहीं हो जाता है या किसी लॉ के अंतर्गत उन्हें रोक न दिया जाए, माफ़ न कर दिया जाए। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि आफ्टर डेथ ऑफ प्रोमिसर, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है उनमें से किसी का डेथ हो जाता है, तो संविदा में लिखी होती है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि होंगे आर बाउंड टू परफॉर्म, ठीक, अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। जब तक कि कोई अन्यथा, कोई ऐसी घटना न घट जाए, तब तक संविदा पालन की जिम्मेदारी उस संविदा के पक्षकार के विधिक दायित्व के ऊपर होती है कि संविदा को पालन करे। ठीक, और इस पर मैक्सिम भी है
कि एक्शियो पर्सनलिस मोर्टर कम पर्सोना, यानी पर्सनल एक्शन डाइज विद द डेथ ऑफ द पर्सन। मतलब ये होता है कि जो संविदा किया है वो ही पालन करेगा, लेकिन सेक्शन 37 में ये एक ऑप्शन भी लोग अपने करार में एग्रीमेंट में लिख लेते हैं कि अगर पक्षकार को कुछ हो जाता है तो उनके जो विधिक व्यक्ति होंगे उनके द्वारा संविदा का पालन कराया जा सकता है। ठीक, लेकिन सेक्शन 40 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 का है वो एक पर्सनली, यानी कि ये जो मैक्सिम है वो देखा जाए तो सेक्शन 40 पे 100% लग रहा है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि पर्सन बाय होम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि जो करार में जो वादा किया गया है, संविदा में जो वादा किया गया है वो किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन है, या तो प्रॉमिसर खुद ही, जिसने वादा किया है वही खुद निभाएगा, या उसके रिप्रेजेंटेटिव यानी विधिक प्रतिनिधि ही उस वादे को निभाएंगे। लेकिन अगर किसी संविदा में सेक्शन 40 ये भी कहता है कि अगर स्पेसिफिक कर दिया गया है कि नहीं, जिसने वादा किया वही निभाएगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं निभाएंगे, तो फिर जिसने वादा किया है वो ही निभाएगा, न तो उनके विधिक प्रतिनिधि और न ही उनके सहायक उस वादे को निभाएंगे जो कि करार में की गई है। ठीक है, अब आगे देखिए, इफ इट अपियर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस, नेचर केस मतलब एग्रीमेंट, दैट इट वॉज द इंटेंशन ऑफ पार्टीज, जो पक्षकार थे उनकी मनसा ये थी, टू एनी कॉन्ट्रैक्ट एनी प्रोमिस कंटेंट इन इट शुड बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। अगर संविदा में ये बात क्लियर कट वर्ड लिखा हुआ है कि इसमें जो भी करार की जा रही है वो करार जो वादा किया गया है करार के माध्यम से, वो वादा वो ही निभाएंगे जो करार कर रहे हैं, यानी जिन्होंने वादा किया हुआ है, कोई और व्यक्ति नहीं करेगा। यहाँ पर्सनल मैटर, यानी कि पर्सनल जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वही करार को पूरा करेंगे। ठीक, देन सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर, ठीक, जिसने वादा किया है वही निभाएगा। इन अदर केसेस अगर ऐसा ऑप्शन है कि नहीं, जो प्रॉमिस है और जो वादा है वो प्रोमिसर भी कर सकता है, या उसके विधिक प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव या असिस्टेंट कोई कर सकता है, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर लिखा हुआ कि नहीं, सिर्फ प्रोमिसर ही करेगा, यानी जो वचन करता है वही करेगा, कोई और व्यक्ति को अलाउ नहीं किया गया है, तो फिर ऐसा परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी डन बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। ठीक है, सेक्शन 40 में इसीलिए ये कि पर्सनल एक्शन डाइज विद द डेथ ऑफ द पर्सन, जब ऐसा करार हुआ है और प्रोमिसर की अनफॉर्चुनेटली आकस्मिक या किसी वजह से अगर डेथ हो जाती है, तो फिर वो जो वादा किया गया है, क्योंकि प्रोमिसर का करना था, प्रोमिसर का देहांत हो गया है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, उसे निभाने की जिम्मेदारी अब प्रोमिसर के ना तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे है, ना ही उनके कोई असिस्टेंट पे, किसी को जिम्मेदारी नहीं है। जैसे प्रोमिसर का देहांत होगा वैसे ही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वो, एज गिवन इन सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, अब दिए गए प्रश्न के उत्तर पे आते हैं, क्या उसका वास्तविक उत्तर या आंसर क्या होगा। तो सेक्शन 40 को अगर हम ध्यान में रखें तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पेंटिंग की जो बात नरेश ने विनय से की थी, वो ये सोच के किया था कि मिस्टर विनय गुड पेंटर हैं और जैसा वो पेंटिंग चाहते हैं मिस्टर विनय कर देंगे। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट में कि ये जो पेंटिंग है वो सिर्फ मिस्टर विनय ही करेंगे पर्सनली। ठीक है, लेकिन मिस्टर विनय ने खुद नहीं किया बल्कि अपने सहायक से करवाया, भले ही उनके सहायक ने उसे उस पेंटिंग को उनके सुपरविजन में ही किया हो, फिर भी जब ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मिस्टर विनय खुद पेंटिंग करेंगे, तो फिर उन्होंने सहायक से क्यों करवाई। और इसलिए उन्होंने सहायक की मदद ली, सेक्शन 40 का वायोलेशन किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं था, इसलिए जो सूट उन्होंने फाइल किया हुआ है दैट विल बी नॉट बी एंटरटेनेबल एट ऑल। और इसलिए जो प्लेंटिफ यानी मिस्टर विनय ने जो सूट फाइल किए फॉर रिकवरी ऑफ प्रोफेशनल चार्जेस
वो लाइकली टू बी डिसमिस्ड अंडर सेक्शन 37 एंड 40 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, ये बात अलग है कि अगर वो रिट पिटीशन हाई कोर्ट में आ जाए तो लॉ ऑफ इक्विटी के माध्यम से हो सकता है उन्हें कुछ रिलीफ मिल जाए, लेकिन एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल पार्ट की जो वर्जन है और उस वर्जन के अनुसार तो उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल पाएगा। हाँ, लॉ ऑफ इक्विटी के अंतर्गत अगर हाई कोर्ट इंटरटेन करे मैटर को तो हो सकता है कि शायद अपील करने पे उन्हें कुछ रिलीफ मिल जाए पास, लेकिन उसे ऐसा मैटर ऑफ राइट उन्हें नहीं मिल पाएगा। ये सिर्फ लॉ ऑफ इक्विटी के अंतर्गत यानी साम्य के नियम के अंतर्गत उन्हें कुछ मिल जाए तो मिल जाए। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले वीडियो पे हम नए प्रश्न, उसके उत्तर, संबंधित प्रावधान और केस लॉ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।